नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सच्ची खबर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम जीके के वीडियो से हटकर कुछ नए फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे देशों के बारे में बताऊंगा जहां भारत के करेंसी की वैल्यू बहुत ज्यादा है, यानी कि किस देश में हमारा रुपया डॉलर जैसा महंगा है, ये आप इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों ज्यादा देर नहीं करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों इस लिस्ट में 10वें नंबर पर है युगांडा। युगांडा की मुद्रा का नाम है युगांडन शिलिंग और यह जो देश है यह पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक लैंडलॉक देश है, यानी कि चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ देश है, आसपास कोई समुद्र भी नहीं है। इसके पूर्व में केन्या, उत्तर में सूडान, पश्चिम में कांगो जैसे देश मौजूद है और यह एक बहुत ही गरीब देश है। दोस्तों यहाँ पर हमारे 1 रुपए की कीमत 51.65 युगांडन शिलिंग के बराबर है, यानी कि 51.65 युगांडन शिलिंग। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे मुद्रा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है। 9वें नंबर पर है कंबोडिया। दोस्तों कंबोडिया दक्षिण पूर्व एशिया का भाग है और यह थाईलैंड, वियतनाम और मलेशिया जैसे देशों से घिरा हुआ है। साथ में कंबोडिया जो अपनी खूबसूरती और पुरातन इतिहास के लिए जाना जाता है और दुनिया का सबसे सुप्रसिद्ध अंकुरवाट मंदिर भी कंबोडिया में ही है। दोस्तों कंबोडिया में हमारे देश के 1 रुपए की कीमत 56.47 कंबोडियन रियाल के बराबर है, यानी कि 56.47 कंबोडियन रियाल। यानी अब 10,000 भारतीय रुपए लेकर भी कंबोडिया जाते हैं तो मजे से पूरा देश घूम सकते हैं। 8वें नंबर पर है पैराग्वे। यह दक्षिण अमेरिका के मध्य भाग में बसा हुआ देश है। यह दुनिया के उन चंद देशों में से एक है जिसकी सीमाएं समुद्र को नहीं छूती है, यानी कि यह भी एक लैंडलॉक देश है। पैराग्वे जो है प्रकृति के बहुत करीब है। यहाँ के घने जंगल, वर्षा वन और जंगली जीवों की तमाम प्रजातियां पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। लेकिन दोस्तों पैराग्वे में 1 भारतीय रुपए की कीमत 85.64 यानी कि 85.64 पैराग्वियन गुआरानी के बराबर है, यानी यह भी आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत डेस्टिनेशन हो सकता है। 7वें नंबर पर है उज्बेकिस्तान। सोवियत रूस से अलग हुआ यह देश ताशकंद, समरकंद और बुखारा जैसे शहरों के लिए मशहूर है। यहाँ उज्बेकिस्तानी सोम नाम की मुद्रा चलती है। यहाँ भारत के 1 रुपए की कीमत 118.08 यानी कि 118.08 उज्बेकिस्तानी सोम के बराबर है। चारों तरफ से जमीनी देशों से घिरे इस देश में घूमने वाली कोई खास जगह नहीं है। दोस्तों 6वें नंबर पर है लाओस। लाओस जो है वह दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है। इसकी सीमाएं उत्तर पश्चिम में म्यांमार और चीन से, पूर्व में कंबोडिया, दक्षिण में वियतनाम और पश्चिम में थाईलैंड से मिलती है। इसे हजार हाथियों की भूमि भी कहा जाता है। यह देश मेकोंग नदी और पहाड़ों के लिए फेमस है। यहाँ बुद्ध मॉनेस्ट्री भी आकर्षण का केंद्र है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर भी हमारे देश की मुद्रा की कीमत बहुत ज्यादा है। यहाँ 1 भारतीय रुपए की कीमत 120.82 यानी कि 120.82 लाओ कीप के बराबर है। लाओ कीप यहाँ की मुद्रा का नाम है। और इससे भी अच्छी बात दोस्तों ये है कि यहाँ पर वीजा ऑन अराइवल की सुविधा भी मौजूद है, यानी कि आपको वहाँ जाने के लिए डायरेक्ट वीजा लेने की जरूरत नहीं है, आप वहाँ एयरपोर्ट पर उतर कर भी वीजा ले सकते हैं। 5वें नंबर पर है गिनिया। यह पश्चिम अफ्रीका का एक बहुत ही गरीब देश है। यहाँ पर भारत के 1 रुपए की कीमत 128.38 गिनियन फ्रैंक के बराबर है। 4वें नंबर पर है इंडोनेशिया। बाली, जावा, सुमात्रा जैसे सुंदर द्वीपों वाला देश इंडोनेशिया सुदूर पूर्व में ऑस्ट्रेलिया के पास है। यहाँ भी भारतीय रुपए के जलवे हैं। दोस्तों हर साल लाखों भारतीय इंडोनेशिया घूमने के लिए जाते हैं। आप भी बहुत ही कम पैसों में इंडोनेशिया की यात्रा कर सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडोनेशिया में 1 भारतीय रुपए की कीमत 197.30 यानी कि 197.30 इंडोनेशियाई रुपया के बराबर है। दोस्तों रुपए की इसी मजबूती के कारण आपकी इंडोनेशिया की यात्रा बहुत ही सस्ते में निपट सकती है। 3रे नंबर पर है वियतनाम। दोस्तों वियतनाम की मुद्रा का नाम है वियतनामी डोंग और यहाँ भारत के 100 रुपए की कीमत
आज की डेट में 32,666 वियतनामी डोंग है, यानी कि 1 रुपए की कीमत है 326.66 रुपए, यानी कि 1 रुपए की कीमत है 326.66 वियतनामी डोंग। दोस्तों वियतनाम बहुत ही खूबसूरत स्थान है और यह देश प्रकृति के बहुत करीब है। वियतनाम में घने वर्षा वन है और तमाम नदियां हैं, जिसके कारण इसे पानी का देश भी कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ बहुत ही बड़ी बड़ी प्राकृतिक गुफाएं भी मौजूद है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि वियतनाम के लिए भारत से उड़ानें भी काफी सस्ते दाम में जाती हैं और यहाँ आपको एक दिन के रहने खाने और घूमने का खर्च सिर्फ 800 से 900 भारतीय रुपए के बराबर पड़ेगा। दोस्तों इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर ईरान। मिडिल ईस्ट में भारत का सहयोगी देश ईरान अफगानिस्तान पाकिस्तान और इराक जैसे देशों से घिरा हुआ है। यहाँ तेल और प्राकृतिक गैस का अपार भंडार है। हाल ही में अमेरिका द्वारा इस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए जाने के कारण यहाँ की अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट दर्ज की गई, जिसके कारण यहाँ की मुद्रा अपने निम्नतम स्तर पर पहुँच गई है। दोस्तों आज भारत के 1 रुपए की कीमत 592.73 यानी कि 592.73 ईरानियन रियाल के बराबर है। विश्व की सबसे प्राचीन मेसोपोटामिया सभ्यता और सबसे शक्तिशाली फारस साम्राज्य का अंग होने के कारण यहाँ जगह जगह पर ऐतिहासिकता बिखरी हुई है। दोस्तों यहाँ बहुत सारे ऐतिहासिक स्थल हैं जिन्हें देखने के लिए पूरे विश्व से लोग यहाँ आते हैं। इस लिस्ट में नंबर 1 पर है सियेरा लियोन। यह एक पश्चिमी अफ्रीकी देश है और यह दुनिया के उन कुछ गरीब देशों में से एक है जिसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। लगभग खत्म हो चुकी अर्थव्यवस्था के कारण यहाँ गरीबी, बेरोजगारी और अपराध बहुत ज्यादा है। यही कारण है कि यहाँ भारत के 1 रुपए की कीमत 669.81 सियेरा लियोनियन लियोन के बराबर है। दोस्तों हाल ही में इस लिस्ट से एक बड़े देश का नाम बाहर हो गया है, वह देश है वेनेजुएला। वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था बहुत ही बुरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, जिस कारण वहां की मुद्रा में भारी गिरावट आई थी। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि 31 जनवरी 2019 तक भारत के 1 रुपए की कीमत वेनेजुएलन बोलीवर में 3506 के बराबर पहुंच गई थी, यानी कि भारत का जो 1 रुपया है वो 3506 यानी कि 3506 वेनेजुएलन बोलीवर के करीब पहुंच गया था और यह अपने आप में ही एक बहुत ही खतरनाक बात थी। हालांकि वेनेजुएला ने अपनी करेंसी को खत्म करके नई करेंसी लागू की, जिसके बाद से वहां की अर्थव्यवस्था सुधरी है और अभी तक वहां 1 बोलीवर भारत के 7 रुपए के बराबर है। दोस्तों इसके अलावा श्रीलंका, नेपाल, हंगरी, मंगोलिया, कोस्टारिका, आइसलैंड जैसे देश हैं जहां पर भारत के 1 रुपए की कीमत वहां की करेंसी में ज्यादा है और ऐसे देशों में आप मजे से घूम भी सकते हैं, वो भी कम खर्चे पर। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें और वीडियो के बारे में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। दोस्तों तो फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।